सिवनी जिले के बारघाट लालबाग का राजा गणेश उत्सव समिति द्वारा बस स्टैंड बारघाट में विशाल इनामी दंगल का आयोजन किया गया। दंगल में पुरुष एवं महिला पहलवानों ने हिस्सा लिया, जहां क्षेत्रीय पहलवान सिवनी, बारघाट, छिंदवाड़ा एवं दिल्ली के पहलवानों ने अपना प्रदर्शन दिखाया। व्यायामशाला के अध्यक्ष अजय सूर्यवंशी ने कहा कि लुप्त होती इस मल संस्कृति को जीवित रखने का एक छोटा सा प्रयास व्यायामशाला एवं गणेश उत्सव समिति के द्वारा आयोजित किया गया है। पुरुष दंगल में प्रथम विजेता पुरस्कार सुनील पहलवान दिल्ली, द्वितीय देवा पहलवान सिवनी, तृतीय राजा पहलवान बालाघाट को मिला एवं महिला पहलवान में प्रथम लक्ष्मी पहलवान ताखला, द्वितीय पुष्पा इनवती पहलवान बालाघाट को प्राप्त हुआ। लुप्त होती इस मल्ल संस्कृति को जीवित रखने का एक छोटा सा प्रयास व्यायामशाला और गणेश उत्सव मंडल के द्वारा संयुक्त तत्वाधान में आयोजित होता रहता है। प्रतिवर्ष यह आयोजन माननीय विधायक महोदय जी की सहयोग और उनके आशीर्वाद से होता है और उनका भरपूर सहयोग हमें मिलता रहता है और हम यहाँ पर यह विधा जो है अधिकतर गरीब लोगों में प्रचलित है। इसे जो संपन्न लोग हैं इस विधा से बिल्कुल नहीं जुड़े और हम ये प्रयास करते हैं कि उनके लिए कुछ अर्थ इकट्ठा करके और उन्हें इस विधा से जोड़ें और शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए इस विधा से जुड़ना अति आवश्यक है, इसलिए हम इस विधा को निरंतर गणेश उत्सव समिति बरघाट में जो प्राचीन काल की और पुरातन काल की जो हमारी परंपरा रही है, हमारी जो विधा रही है मल्ल युद्ध की, उसको बरकरार रखने की दिशा में, उसको स्थापित रखने की दिशा में जो आयोजन समिति ने यहाँ पर प्रतिवर्ष जो दंगल का आयोजन होता है और विशेष रूप से हमारे अजय सूर्यवंशी जी, हमारे गजबी जी, राकेश महतो जी, दिग्विजय सिंह जी, मैं पूरी समिति को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ कि उन्होंने जो हमारी प्राचीन काल की जो विधा और कला है इसको निरंतर बनाए रखने की दिशा में जो उनका प्रयास है, इसके लिए मैं आयोजन समिति का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ।